जाने के लिए, लेकिन आप है कि मानने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहिए? वेदिका तो वापस जाने के लिए आई नहीं है, क्योंकि एक मन में उसके डाउट आ गया है जो किसी के बस में ही नहीं है कि उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि वेदिका ने ऐसा कुछ देख लिया, साहिल और पंक्ति को साथ में एक बिस्तर पे देख लिया, और ये तो अगर कोई औरत या मर्द जिसको भी ये डाउट चला जाता है माइंड में, वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और वो तो हो ही गया, प्लस वेदिका बोल रही है कि पंक्ति को घर से निकाल दो, और साहिल वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वेदिका को भी अभी गुस्से में है, लेकिन उसे एहसास है कि ऐसा किसी लड़की को जिसके साथ इतना सारा हुआ है, उसे घर से निकालना ठीक नहीं रहेगा, पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, वो इंसिस्ट करे जा रही है कि तुम उसे घर से निकाल दो, और वो नहीं मान रहा है, विच इज़ पार्टली राइट ऑन साहिल्स बिहाफ एज वेल। तो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो, क्योंकि घर पे आए हैं वो, पुलिस वाले भी आ गए, आपसे माफ़ी मांगने की ट्राई करें, पर आर्या भी उन्हें घर से निकाल दिया। आर्या इज़ हर्ट एज वेल, बिकॉज वो भी अभी बड़ी हो गई है, उसको भी पता है, उसकी भी शादी हो गई है, तो और उसने तो पूरा सफ़र देखा है साहिल और वेदिका का, और आर्या हमेशा साहिल की तरफ हमेशा इंक्लाइंड होती थी, पर अब उसने एक तरीके से तो साहिल ने आर्या का भी ट्रस्ट तोड़ा है, तो ऑफकोर्स उसको भी शी इज़ एजिटेटेड। क्योंकि वेदिका पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब पुलिस वाले आकर साहिल को मार रहे हैं, उन्हें बता रहे, तब आकर आपने क्यों रोक दिया? ऑफकोर्स वेदिका को गुस्सा है, वेदिका को बहुत, शी इज़ एंग्री, बट एंग्री और नफ़रत में फ़र्क होता है। शी इज़ एंग्री बट शी इज़ नॉट स्टॉप लविंग साहिल, क्योंकि गलती तो साहिल से हुई है, वेदिका ने तो कुछ किया भी नहीं, तो उसका प्यार तो है ही, तो वो इंसानियत के नाते नहीं, बट वो प्यार तो करती ही है साहिल से, तो वो इतना कुछ तो नहीं देख पाएगी, तो कहीं तो जाके रोकना ही होगा। ओके, लास्टली कब ये गलत फहमी या कह सकते जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो कैसे दूर होगी, दोनों जुदा होते जा रहे हैं? वो तो पता ही नहीं है कि किस पॉइंट पर आकर फिर से भरोसा करना शुरू करेगी वेदिका, या कितने हद तक जाएगा साहिल। साहिल तो बहुत हद तक जाता ही है हमेशा की तरह, बस किस पॉइंट पे वेदिका गिव इन कर देगी और कैसे ट्रस्ट करेगी वो देखो। मैम, ये एक तरफ मंदिर में आ रहे हो, दूसरी तरफ जो हो रहा है, आप बताइए क्या हो? हाँ, वेदिका ने पंक्ति और साहिल को साथ में देख लिया एक ही बेड पर, और वो बहुत बड़ा धक्का पहुंच गया उसे, और वो पागलों की तरह ऐसे ही घूम रही है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे इस चीज़ पर। और वैसे भी एक आधा दिन पहले से उसको पेट में दर्द तो चालू हो ही गया था, बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट एंड ऑफकोर्स प्री मेच्योर डिलीवरी होगी, लेकिन मंदिर की तरफ आ रही है क्योंकि वो भगवान पर पूरा भरोसा है उसको हमेशा से, तो वो मंदिर की तरफ आ रही है और भगवान के दर पर ही बच्चा आ जाता है। और साहिल भी पहुंचा है, और लेकिन साहिल को आपने डांट दिया है, हटा दिया है, क्या कहना चाहिए? नाराज़ है उससे, बहुत नाराज़ है, मतलब नाराज़ मतलब उसका पूरा विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि उसने दोनों को साथ में बेड पर देख लिया है। अब नॉर्मल इंसान जो जिसको ऑलरेडी फियर है कि 18 साल यंग लड़के से जब शादी हुई होती, तो वो ऑलरेडी एक माइंड में सब लोग ने भरा हुआ है, और उसको ऐसे देख लिया साथ में, तो फिर तो उसे बहुत बड़ा धक्का ही पहुंच गया। साहिल को तो हटा दिया, लेकिन पंक्ति भी जो कि साहिल के साथ थी और वो आपकी हेल्प कर रही है, बट नहीं, स्टेट में तो वेदिका को पता ही नहीं है कि कौन कौन है, तो वो बस पंक्ति है, तो उसको बस पता है कि वो एक इंसान है, क्योंकि वो इतना अनबेरेबल पेन हो रहा है, तो उसको वो ध्यान नहीं है कि कौन कहाँ है। तो वैसे बात करते हैं, औरत का वैसे सपना होता है माँ बनना, तो वेदिका कितनी खुश है वैसे? आपने शो नहीं देखा ना, चलो।